नमस्कार बच्चों, सुप्रभात। आप सब कैसे हैं? मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका रेखा बेस्ट हूँ। बच्चों, सब अपनी फाइल के साथ कॉपी, पेंसिल, रबड़ और कलर्स के साथ पढ़ने के लिए तैयार रहें। आपको सीधे बैठना है और कार्य करते समय इधर उधर नहीं देखना है। बच्चों, अब आप अपने हिंदी की अभ्यास पुस्तिका का पेज 86 खोलेंगे, 8 और 6। खोला सभी ने? तो आज हम इस पेज में क्या बनाना सीखेंगे? हम फिर से शव बनाना सीखेंगे। शव से षटकोण, शव से षटकोण, शव से षटकोण बनाओ आप, रंग कर हमें दिखाओ आप। शव से षटकोण बनाओ आप, रंग कर हमें दिखाओ आप। तो आज हम क्या बनाना सीखेंगे? शव, शव से षटकोण। लेकिन शव बनाने से पहले हमें ये पहली लाइन में य से शव तक लिखने का अभ्यास करना है। उसके बाद हम नीचे शव बनाना सीखेंगे फिर से, ठीक है? तो सब अपनी अपनी पेंसिल निकालिए। शव से षटकोण कैसे बनाते हैं देखिए। पहली लाइन में हम पेंसिल रखेंगे और प से पतंग बनाते हुए इसको प बनाएंगे। फिर फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन के बीच में एक स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे और फिर इसके बाद ऊपर हम एक स्लिपिंग लाइन बना देंगे फर्स्ट लाइन पे। तो हमारा क्या बन जाएगा? शव से षटकोण, ठीक है? चलो लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहली लाइन में हम सबसे पहले लिखेंगे य। य से यज्ञ, य से यज्ञ, य से यज्ञ। तो लिखा सभी ने य। य के बाद क्या आएगा? र। र से रस्सी। आपको मैम के साथ साथ लिखना है और क्या करना है? बोल बोल कर लिखना है। तो अब य के बाद हम क्या लिखेंगे? र। र से रस्सी, र से रस्सी। तो लिखा सभी ने र। अब र के बाद क्या आएगा? ल। ल से लट्टू, ल से, ल से लट्टू, ल से लट्टू। तो लिखा सभी ने ल। अब ल के बाद क्या आएगा? व। व से वट, व से वट, व से वट। लिखा सभी ने व। व के बाद च से शलगम। तो सब बनाएंगे मैम के साथ च से शलगम, च से शलगम। तो बनाया सभी ने श। चलिए बस फिर से इसको दोहराएंगे। य, र, ल, व, श। अब हम नीचे श से षटकोण बनाना सीखेंगे। तो ध्यान से देखेंगे। देखिए, जैसे प से पतंग बनता है वैसे ही पहली लाइन पे पेंसिल रखेंगे और प से पतंग की तरह बनाएंगे। फिर फर्स्ट लाइन से थर्ड सेकंड लाइन तक स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे और ऊपर स्लिपिंग लाइन बनाएंगे। तो क्या बन जाएगा? श से षटकोण, श से षटकोण। बनाया सभी ने श से षटकोण। चलिए अब यहाँ पर हम आगे फिर से श से षटकोण बनाएंगे, पौसे पतंग की तरह बनाएंगे। फिर फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन तक स्लैंटिंग लाइन, ऊपर स्लिपिंग लाइन। तो क्या बन जाएगा? श से षटकोण, श से षटकोण। बनाया सभी ने यहाँ तक शश षटकोण। चलिए अब हम नीचे वाली लाइन में शश षटकोण बनाना सीखेंगे। ध्यान से देखिए, पौ से पतंग की तरह बनाएंगे। फिर फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन तक स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे और ऊपर स्लिपिंग लाइन बनाएंगे। तो क्या बन जाएगा? श से षटकोण, श से षटकोण। तो बनाया सभी ने श से षटकोण।
चलिए अब हम आगे भी चौथे षटकोण बनाएंगे। बहुत सी पतंग बनाएंगे, सबसे पहले फिर स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, चौथे षटकोण, चौथे षटकोण। तो सभी ने यहाँ तक शव बनाया, नहीं बनाया तो जल्दी बनाइए, मैम इंतजार कर रही है। बना लिया, नीचे की ये दो लाइन आपके अभ्यास के लिए है, ये आपको बाद में करनी है। और जब ये पेज पूरा हो जाता है तो इस पेज की फोटो खींचकर मैम को व्हाट्सएप पर भेजना है, ठीक है बच्चों? शाबाश।